हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल मैंने कमेटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलर्ट मैसेज डाला था कि कलेक्टिव में आप लोगों को हो सकता है कि कुछ पर्जिंग हो रही हो, कुछ इंटेंस एनर्जी फील हो रही हो, आपका माइंड मैनिपुलेशन हो रहा हो, या लोग आपको ट्रिगर करते हैं पर इस बार आप लोगों को ट्रिगर कर रहे हो। अननेसेसरी आपकी मूड स्विंग्स हो रही है, आप अपसेट हो रहे हो, या आपकी डाइट में चेंजेस आ रहे हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, अननेसेसरी एंगर आ रहा है, अननेसेसरी आप पैनिक कर रहे हो, ऑल दिस थिंग्स। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा कौन सा ब्लॉकेज है, ये कहाँ मुझे हील करना है, क्योंकि आपने तब तक यही सीखा है कि यू हैव टू गो टू द पार्ट्स वेयर यू आर नॉट हील, देन यू हैव टू हील देयर, इंट्रोस्पेक्ट एंड देन हील देयर। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम समझे गए बिल्कुल ओके होते हैं, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि वाई आई एम पर्जिंग। सो यही है चैनलिंग इस फुल मून की। देखिए, ये जो हमारा शरद पूर्णिमा है 16 को, ये जो वैसे हमारे हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा एक धार्मिक त्यौहार है, और आप सब लोग जानते हो जो 19 से मुझसे जुड़े हुए हो कि मैं हर साल अपनी टोकरी कमेटी में पोस्ट करती हूँ, उसमें मैं मिठाई रख कुछ मीठा रखती हूँ बना के, मखाने की खीर, कभी रबड़ी, कभी एक्सेट्रा। चलिए, आपके मुंह में रस पानी आ जाएगा इसके पहले कि हम बात करते हैं आज की चैनलिंग की। जो हमारा ये फुल मून है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुल मून है, आई कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंस फुल मून। देखिए, फुल मून पे मैं बात करने वाली नहीं हूँ कि हम लोग साल भर इतने सारे फुल मून से गुजरते हैं कि हम जानते हैं कि फुल मून का मतलब ही होता है आपकी क्लेंजिंग, आपको लेट गो करना है जो आपको सर्व नहीं करता है, आपको अपने आप को शिफ्ट करना है, आपको लाइफ में न्यू चॉइस बनानी है, एंड यू टू लेट गो द ओल्ड विच इज़ नॉट एट ऑल सर्विंग यू, एंड यू हैव टू वर्क इन योर ब्लॉकेजेस, यू हैव टू हील, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब आप जानते हो। बट ये जो फुल मून आया है, ये आपको कोई चॉइस नहीं दे रहा है। दैट इज द रीजन इट इज वेरी पावरफुल इंटेंस स्ट्रॉन्गेस्ट फुल मून। देखिए, अभी रिसेंटली आपने कुछ हादसों के बारे में सुना है कलेक्टिव में, एंड दैट इज द रीजन कि आपको पर्जिंग हो रही थी। क्या होता है कि जब कलेक्टिव में कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है और एकदम से एनर्जी लो चली जाती है मदर अर्थ की, तो मदर अर्थ, हम लोग एक प्रकार से रिसेप्टर्स होते हैं, हम वो पावर बैंक होते हैं जहाँ से हमारी एनर्जी ली जाती है उस को बैलेंस करने के लिए, मदर अर्थ की फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करने के लिए, एंड दैट इज़ आवर रोल। आप ग्रिड पर जाके क्या करते हो? जो हम ग्रिड पर जाते हैं, हमारा इंटेंशनली ग्रिड में जो भी इम्बैलेंस है वहाँ पर अपनी एनर्जी डोनेट करके हम उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। और जब इस प्रकार से कोई इंसिडेंसेस होते हैं, हादसे होते हैं, तो मदर अर्थ ऑटोमेटिकली जो भी हाई वाइब्रेशनल सोल्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, स्टार सीज होते हैं, उनसे वो एनर्जी, वो फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली ली जाती है टू बैलेंस द फ्रिक्वेंसी ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि हम लोग अनकॉन्शियसली पर्जिंग फील करते हैं और अनकॉन्शियसली हम लो में चले जाते हैं और हमारा माइंड मैनिपुलेट होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम जजिंग माई डिवाइन मैस्कुलिन, या फिर आई एम जजिंग माई फैमिली मेम्बर्स, और मैं इसको जज कर रही हूँ, मैं उससे जेलसी कर रही हूँ, मैं किसी से खुद को कंपेयर कर रही हूँ, या मैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट फील कर रही हूँ, या मैं यूनिवर्स को ब्लेम कर रही हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑल दिस, ये सब अनकॉन्शियसली होता है अगर आप अवेयर नहीं हो कि ये आपकी एनर्जी है या ये कलेक्टिव की एनर्जी है। सो अभी आपको लगता है कि हमको तो बस अवेकन होना है, यूनियन में आना है, डीएम ने बात कर दिया, मतलब कि जर्नी पूरी हो गई, डीएम से शादी हो गई, तो बस हम बस जर्नी ख़त्म ही हो गई और बस। नहीं, आप पूरी लाइफ टाइम यूज़ किए जाओगे, एंड दैट इज़ अ रीज़न इनर वर्क आपको करते रहना चाहिए, दैट विल स्ट्रेंथन योर ऑरा, राइट। तो आपको पूरी लाइफ टाइम इनर वर्क करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी, इट्स योर चॉइस कि आपको कलेक्टिव में एनर्जी देनी है या नहीं देनी है। सो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में कमेटी में डाला था, आपने ये
मैसेज देखा होगा, राइट। तो ग्रिड को जब आपकी एनर्जी चाहिए होती है, वो आपसे पूछती नहीं है, वो आपसे लेती है। अगर आप अवेयरनेस में हो कि ये एनर्जी मेरी ग्रिड में फ्लो हो रही है, आप इफ़ यू डोंट वांट टू फ्लो योर एनर्जी, यू हैव राइट, यू हैव फ्री विल, यू कैन कट योर कॉर्ड एंड यू कैन ब्लॉक योर एनर्जी, इज अप टू यू, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग। अब यही चीज इस प्रकार से मदर अर्थ ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग कर रही है एनर्जी की, इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ द हार्मोनाइजेशन। ये चीज इस फुल मून में ऑटोमेटिकली होएगी, ऑटोमेटिकली योर लाइफ, ये जो टाइम है, क्योंकि अब रिपोर्ट का टाइम है, तो इस वक्त आपको किसी ने चॉइस नहीं दी है कि आप यू हैव टू चूज व्हाट इज नॉट सर्विंग यू एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। नो, इस बार सब चीज ऑटोमेटिकली होएगी टू हार्मोनाइज योर लाइफ। एक एक इंडिविजुअल की लाइफ को हार्मोनाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, फॉर योर हाइएस्ट गुड। जैसे कि अगर हम कहें कि मदर अर्थ में हमारी एनर्जी को लेकर हार्मोनाइज किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि दिस इज फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ द मदर अर्थ। हमारे इस प्लैनेट के लिए जो भी हाइएस्ट गुड है, वो ही अल्टीमेट चॉइस है, राइट। अभी आपको लाइफ में लग रहा होगा कि कुछ ट्रिगरिंग्स हो रही हैं, कुछ ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ रही हैं, कहीं आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है, कहीं आपको लाइफ में एक नया स्टेप लेना पड़ रहा है, एनी सीरियस स्ट्रॉन्ग लाइक शिफ्ट यू आर लाइक, आपको ज़बरदस्ती की जा रही है, आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको लेना ही पड़ेगा सम चेंजेस जिस पर आपका कोई भी होल्ड नहीं है। तो अब ये जो भी चीज़ें हैं, ये अब आपको चॉइस नहीं दे रहा है ये फुल मून। ये फुल मून पूरे साल भर जितनी फुल मून रहा है वहाँ पर आपको चॉइस रही है कि आप अपने आप पे काम करते हो, यू आर गोइंग टू क्लियर योर शेल्फ और नॉट, वट एवर। बट इस फुल मून पे चीज़ें शिफ्ट होनी ही हैं, यू हैव टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना ही होगा, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू टेक डिसीजन, और ये ऑटोमेटिकली होगा। दिस एनर्जी इज शिफ्टिंग यू ऑटोमेटिकली एंड सेम विद द डिवाइन मैस्कुलिन। तो क्यों मैंने कहा था आज से एक महीने पहले कि यूनियन होने ही है, क्योंकि अब तक डिवाइन मैस्कुलिन को आपको चॉइस दी थी, मौका दिया था, समय दिया था कि खुद को बदल लो। ईगो डेथ भी हुई तब भी एक वार्निंग होती कि यू कैन चेंज योरसेल्फ, बट अब मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दी है, लाइफ में खुद को प्रायोरिटी नहीं दी है, डिफरेंट चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक मैट्रिक्स को प्रायोरिटी दी है, ऑल द रॉन्ग थिंग्स, ऑल द डिसफंक्शंस, एवरीथिंग, जहाँ पर चीज़ें सही नहीं हैं वो स्ट्रक्चर्स ब्रेक होनी ही हैं ऑटोमेटिकली, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में हो। इसलिए कहा जाता है कि हमको अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को हमेशा प्योर रखना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज ऑथेंटिक। हमारे इस मैनिपुलेटिव माइंड की बातों में नहीं आना चाहिए, जो हमेशा ट्रैप में लेता है, जो आपको ये दिखाएगा कि नहीं, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा करियर ही और पैसा ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे एटसेट्रा। और जब आखिरी में जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हमको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। सो हमेशा से अपनी हैबिट होना चाहिए कि हम हमेशा डिवाइन के पथ पे चलें, हम हमेशा अपनी सोल की सुने, सोल को, लेट आवर सोल लीड आवर जर्नी, लेट आवर सोल टेक आवर डिसीजन, लेट आवर सोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर लाइफ, लेट योर माइंड फॉलो योर सोल। जब आप इस प्रकार की आपकी एनर्जी रहेगी तो ये पोर्टल्स आपको मैटर ही नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द सेम पाइस प्योर ऑथेंटिक एनर्जी। आप ऑलरेडी एक फ्लो में हो, आप ऑलरेडी एक लाइक देर इज नथिंग यू आर होल्डिंग, रेसिस्टिंग, यू आर ऑलरेडी डिसकनेक्टेड विद योर माइंड एंड मैट्रिक्स, राइट। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को आएगी जो कि अपने इस मैट्रिक्स से कनेक्टेड हैं,
those are not detached with their mind, not disconnected with their mind, जिनकी energy में flow नहीं है, उनके structure break हो सकते हैं, right? तो फिर अभी हम सबको क्या help करने वाला है? Faith. कितना भी आपको life में आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, देखो ये full moon अच्छा भी देने वाला है और बहुत अच्छा भी देने वाला है, जिसने डिवाइन को हमेशा से फॉलो किया है, जिसने डिवाइन भी मत कहिए आप अपनी सोल को फॉलो किया है, उसको बेस्ट बेस्टेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है फॉर श्योर बाय दिस 2024। हमारे चैनल पे हम बहुत, मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप लोग जब मुझे टेस्टिमनीज आती हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी मैरिजेज हो रही हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल यूनियन भी हुए हैं, ब्यूटीफुल यूनियन, इसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट या ओके। सो दिस टाइम अगर थोड़ा सा भी आप मैनिपुलेशन, नेगेटिविटी, स्ट्रगल, ट्रिगर कुछ फील कर रहे हो, जस्ट सिंपली सपोर्ट योर स्पिरिचुअल टीम बाय फेथ एंड बाय बीइंग इन योर प्रेजेंट मोमेंट। अपनी सोल वाइब को हाई वाइब में रखना है एंड स्टे ग्राउंडेड, स्टे प्योर, और आप खूब सारी अपनी ग्राउंडिंग करनी है, बहुत सारा अपना ऑरा क्लियरिंग करना है और सिस्टमैटिकली इनर वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।